हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ट्रैक्टर स्टंट्स। लेट्स सी हु विल बी द विनर, इंडिया। तो चलो देखते हैं स्टंट्स, मजे करेंगे। ट्रैक्टर स्टंट्स एक दो तो हमने मेरे ख्याल से दूसरे वीडियोस में देखे हैं, जिसमें वो ट्रैक्टर जो है आगे से ऊपर हो जाता है या वो पीछे से सामान डाल रहे हैं वो ऊपर हो जाएगा। पर इसमें देखते हैं कौन से और कोई भी स्टंट्स हो सकते हैं क्या। ट्रैक्टर में इतना बड़ा ट्रैक्टर होता है, उसमें क्या स्टंट्स कर सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या लड़ रहे हैं? ओए, ये क्या कर रहे हैं? ये कैसे लड़ रही है? उलट गया तुम्हें, पूरा ही हो गया, हो गया, हो गया। डरावनी भयंकर पिक्चर क्या लेके जा रहे हैं? वो गन्ना कितने आगे के कितने छोटे छोटे टायर है। ये तो कोई समाज नहीं, लेके जा रहा है। पीछे कुछ है, क्या है पीछे? पूरे ट्रैक्टर का बलिदान कर देंगे। ये तो देखने में बेचारा ट्रैक्टर तो सूख सूख गया है, पतला पतला हो गया काम कर करके। ये तो ट्रैक्टर कम और वो लग रहा है, ट्रक ज्यादा लग रहा है, जिस तरह से पीछे सामान लेके जा रहे हैं। ओह माय गॉड, पूरा सड़क ही ले ली है, उलट गए कुछ अरे गाड़ी पिटक जाएंगी जो सारी में कार थी। अब इंडिया देखो यहाँ पे ये होते हैं स्टंट। क्वालिटी भी देखो, वही तो कह आगे कितना मोटे हैं, क्वालिटी कितनी बढ़िया है। और स्टंट्स ये होते हैं, वो तो उसका बेचारे का बुढ़ा हो रहा था। बड़े ट्रैक्टर में सर्कल कैसे बना सकते हैं? ये तो उल्टा चला रहे हैं। ओ, 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 ये होते हैं स्टंट। ये किया कैसे, पीछे सामान तो था ही नहीं, उल्टा कैसे करा ऐसे, अब सीधा कैसे करेंगे, ये कैसे करते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम इतना भारी होता है। ट्रेड की गाड़ी अच्छी है, सारों में दिख रहा है, उसे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये कहाँ जा रहा है? गिरेगा, लेगा। पर इसमें इतना सामान नहीं है,
बाइक्स के टायर दोनों गोले मारे नए लग रहे हैं सारे आगे वाले टायर स्ट्रॉन्ग है चलते भी उतर गया हेलो ये तो ऐसे ओ ये वैसे ही है वही ओए होए ओए होए अरे सुंदर लग रहा है अच्छा लग रहा है इंडिया का फ्लैग किया है उसका ऐसे नहीं था अरे वाह ब्यूटीफुल अरे वाह दिस इज ब्यूटीफुल पंजाब है वाह अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा वाह अरे बाप रे ये क्या कर रहे हैं अरे जबरदस्त कहा जाएगा इसके ऊपर ऐसे कुछ थोड़ी सी जगह है दोनों जगह डेंजरस है मुझे तो हाथी लग रहे ब्रांड न्यू लग रहे हैं सारे ट्रैक्टर्स इस तरह से और ले उतर ही गया अरे भाई चढ़ जाओ पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाए कुछ और भी चल रहे इतने सुंदर हैं नए नए टाइप लग रहे हैं पुराने नहीं ये है टायर पानी में टायर अच्छे मोदी टायर कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा था और इंडिया का तो नो डाउट वाज द बेस्ट क्योंकि पाकिस्तान वालों में ये लग रहा था बेचारे जो है ना उसका क्योंकि सामान ज्यादा है उस पर बोझ डाले जैसे किसी एनिमल के ऊपर आप बोझ बहुत डाल देते हो ना कि भैया उससे सारा सामान लदा लोगे हाथी के ऊपर इतना सामान डाल के तो उसको मिसयूज टाइप करते हो तो मुझे तो उस टाइम उन वीडियोस में ऐसे लगा था हे बेचारे ट्रैक्टर का कितना मिसयूज हो रहा है कि उसकी और एक तो ट्रैक्टर ऐसे लगा था जैसे आप किसी हाथी को या घोड़े को या किसी गधे को बहुत खाना नहीं देते कुछ नहीं वो ऐसे सुक्कू सा हो जाता है वो ट्रैक्टर का भी हाल ऐसा था मतलब कोई पेंट नहीं पतले पतला सा तो उससे टाइम तो मुझे वो जानवर नजर आ रहा था बेचारा जिसको ढंग से खाना भी नहीं दिया हुआ तो वो बिल्कुल मेरे को उस टाइम वो लगा और जैसे ही इंडिया का आया मेजर डिफरेंस था हटे कटे ट्रैक्टर इतने अच्छे ट्रैक्टर्स ऐसे लग रहा था ब्रांड न्यू अभी आए हैं जैसे खरीद के लाए हुए हो और स्टंट्स भी बहुत अच्छे थे उसमें तो सब था पाकिस्तान वाले में तो सारा यही था कि सामान ज्यादा इसलिए वो उलट रहा है सारे बेसिकली वही थे पर इंडिया वालों में कोई ऐसा नहीं था जिसमें सामान ज्यादा लदा हुआ है और इसलिए वो ट्रैक्टर उलट रहा है या उस टाइप से हो रहा है ये तो वाकई अपने स्टंट्स करके उसको इस टाइप से कर रहे थे अमेजिंग था और जो लास्ट वाला था वो तो और भी अमेजिंग था क्योंकि पता ही नहीं जब पता चला कि भैया बच्चा कर रहा है वही स्टंट जो बाकी बड़े कर रहे थे तो लगा अरे इतना चुटकू सा कर रहा है कमाल है पर डेफिनेटली देयर वाज अ मेजर डिफरेंस बहुत ही डिफरेंस था बिटवीन जो ट्रैक्टर्स और जिस तरह से काम हो रहा है पाकिस्तान वाले ट्रैक्टर्स का और इसका बहुत ही डिफरेंस नहीं अच्छी बात है मेरे ख्याल से जो फार्मर्स हैं तो फार्मर्स में यही पैशन होगा कि फार्मिंग कर रहे हैं तो ट्रैक्टर चला रहे हैं तो उनको भी एक्साइटमेंट होगी ट्रैक्टर्स के साथ स्टंट करने के लिए और इंडिया में जो स्टंट वो जो किए थे जिसमें झंडा करा था वो बहुत ही अच्छा बेस्ट कि आपने जो बीच में दो ट्रैक्टर्स लगाए बीच में झंडा लगाया और झंडे को ऊपर किया और फिर उन्होंने सल्यूट किया था वो जबरदस्त था पंजाब था क्योंकि लग रहा था तो काफी बढ़िया था और ट्रैक्टर्स में मजे की बात ये थी जो आगे के टायर्स भी इसका मतलब स्ट्रांग आते हैं क्योंकि जो हमने कुछ ट्रैक्टर देखे थे पीछे तो उनका ट्रेड जबरदस्त था पीछे टायर तो आगे के और आगे वाले भी मोटे बड़े थे पर पाकिस्तान वालों के तो छुटकू छुटके छुटके थे यहाँ पर भी कई जगह पे छुटकू टायर थे आगे वाले कई भारी भरकम आगे भी और पीछे भी वो तो जबरदस्त सुपर ट्रैक्टर लग रहे थे उसमें तो वो बिंदास जाते होंगे अपनी पूरी मार्केट वोर्केट घूम घाम के वापस जाते होंगे वो बात अलग है कि उसकी पेट्रोल बहुत लगता होगा मगर अमेजिंग था काफी अच्छा लगा काफी अच्छी हाई क्वालिटी के ट्रैक्टर्स लग रहे थे मजा आ गया देख के वेरी नाइस बहुत अच्छा लग रहा था और वो जो लास्ट वो दिखाया था उन्होंने वो दोनों ट्रैक्टर को ऐसे करके विद हमारा इंडिया का फ्लैग और फिर खड़े होकर सैल्यूट बेस्ट था आउट ऑफ ऑल ऑफ देम तो चलो फ्रेंड्स चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।